इस तालाब का किससे रिश्ता है? तो यहाँ का जो धन तालाब है उसका रिश्ता उन बंजारों से है जो इस देशाटन करते हुए तमाम हिस्सों की तमाम प्रकार की उत्पादन की जो इकाइयां थी उनसे जुड़ते थे, वहां के उत्पादों को लेकर चलते थे और स्थान स्थान पर जाकर के अपना बसा करके उनकी विशेषता थी कि जहां जाते थे वहां पर तालाब बावड़ी आदि जरूर बनाते थे जिससे कि जल संग्रहण का कार्य हो। आपने इसमें हाथीबाड़ा का जिक्र किया है, इसमें आपने चोपड़ा की चर्चा की है, इसी प्रकार जो पांच छतरियां जिनका भी हम लोग अवलोकन करके आए वो भी आपने इसमें संदर्भित किया। मैं इस पुस्तक की सार्थकता इस बात में प्राप्त करूंगा यदि आप सारे लोग, सरपंच साहब भी यहाँ मौजूद हैं और भी सभी सुधीजन मौजूद हैं, कि हम लोग आज ये संकल्प करके घर जाएं कि उस बावड़ी को पूरी तरह से हम स्वच्छ कर देंगे और उस स्थान को पर्यटक स्थान के रूप में विकसित करेंगे। ये आज हम सभी लोग यहाँ से संकल्प करके जाएं, क्योंकि मैंने देखा कि इतनी सुंदर छतरियां, इतनी सुंदर बावड़ी, बावड़ी में समस्या ये हो गई है कि लोगों ने उसे कचरा घर बना दिया है। यदि उसको हम निकालेंगे हो सकता है कि उसमें बहुत सुंदर सुंदर स्थापत्य हमें नजर आए, क्योंकि मराठा पीरियड और उसके पूर्व में परमार पीरियड से जुड़ी हुई पूरा संपदा वहां पर देखने को मिल सकती है। और इसे हम लोग यहाँ पर लाइटिंग वगैरह करें और शाम के समय जैसे इंदौर में छतरी पर जाते हैं लोग राजवाड़ा के पास में, इस तरह से यहाँ की छतरियों पर लोग जाएं और एक पर्यटन स्थल के रूप में यह स्थान विकसित हो, ऐसी मैं कामना आपसे करता हूँ। फिर आप देखें कि इसमें दमदमा कचहरी की चर्चा भी की आपने, इसमें द्रोणापुरी महाराज और उनके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा की है, टेकचंद जी महाराज का क्या योगदान है उस पर आपने बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ दिया है, उन्होंने बावड़ी का निर्माण करवाया, कूप का पुनरुद्धार करवाया, ऐसे तमाम चीजें हैं। फिर इस नगरी के आस्था और विश्वास के बिंदुओं की चर्चा की है आपने, यहाँ गल की चर्चा की है, गल महादेव की चर्चा की है आपने, चूल प्रथा का उल्लेख किया है कि चूल पर किस तरह से लोग चलते हैं और किस तरह से अपनी आस्था का प्रकटीकरण करते हैं। फिर आप देखें कि पिंजारों के द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्रथाएं, कुमारों के द्वारा किया जाने वाला योगदान, फिर गोवा गोगा नवमी पर निकलने वाली छड़ी यात्रा, छड़ी पूजन की परंपरा, उस तमाम चीजों को आपने इसमें समाविष्ट किया है। सबसे बड़ी बात है इस पुस्तक की और कराड़ा जी के विकास में तमाम जाति समुदाय वर्गों के लोगों की आपसदारी को बताया। आप देखिए कि शताब्दियों पहले जबकि मालवा आंखें खोल रहा था तब बहुत सारे लोग अलग अलग स्थानों पर बसाहट के लिए आ रहे थे, बस रहे थे, लेकिन उनके बीच में समरसता थी। उस सामाजिक समरसता की आज बहुत अधिक आवश्यकता है, सब मिलजुल करके समाज बनता है और यह पुस्तक उसका इतिहास है। यह पुस्तक राठौड़ों का इतिहास है, सुनारों का इतिहास है, लोहारों का इतिहास है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है, जाति नहीं है जिसको आपने छोड़ा हो, सबको लिया है। खातियों की चर्चा की आपने, नागदा ब्राह्मण, नागपंथी लोग, गायरी समुदाय के लोग, इसी प्रकार से लखेरा लोग, मेव, कसाई, चर्मकार, कुम्हार, आर्य समाज, मालवी समाज, बरगुंडा लोग, मेवाती लोग, कसाई लोग, आपसे देखें कि कितना अद्भुत लेखन इस पुस्तक का है। मैं कहूंगा कि प्रत्येक बड़ी पंचायतों में इस प्रकार का यदि लेखन हो जाए तो भारत का जो गौरवशाली इतिहास है वो फिर से पुनर्जीवित हो सकता है। हम लोग कभी अंग्रेजों के दिखाए हुए इतिहास को बताते हैं, कभी हम लोग पश्चिम से आने वाले आक्रांताओं के द्वारा जो इतिहास प्रस्तुत किया गया अलग अलग पीरियड में उसकी हम चर्चा करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति लोक में डूबकर अपना इतिहास स्वयं रचता है इसका एक विरल उदाहरण ये पुस्तक हमें देती है। फिर आप देखें कि इसमें कुलमी कड़वा लोगों का क्या योगदान है, माथुर कायस्थ लोगों का क्या योगदान है, माली मोड़ नागर ब्राह्मण मालवी समाज लेवा जो कुलमी लोग हैं उनका क्या योगदान है, ऐसा कोई समाज का पक्ष नहीं है जिसका आपने रेखांकन नहीं किया। फिर इस नगर की बसाहट कैसे हुई, क्रमिकता में भी आपको देखना है तो इस पुस्तक में आप देख सकते हैं कैसे ऊंचे तिब्बटे पर लोग बसते हैं और कैसे उसके आसपास के इलाके को बसाते जाते हैं, कैसे अलग अलग गलियां अलग अलग मोहल्ले बनते हैं। तो नगर जो है वह मंदिरों की नगरी है, यह संतों की नगरी है, यह कथाकारों की नगरी है। इसमें आपने 56 भैरव, गणेश जी का मंदिर, देवमठ, चामुंडा माता,
सती चबूतरा, हनुमान मंदिर, बड़ा राम मंदिर, मोड़ समाज के राम मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, ऐसे तमाम मंदिरों का जिक्र किया, उनका इतिहास आपने खंगाला है। और आप देखें, यह नगर किसी जमाने में वैभव संपन्न था, आज भी है, लेकिन हमें पुराने वैभव के साथ जुड़ना होगा। इसमें संकेत दिया आपने कि एक जमाने में यहाँ पर जुआर का भाटा भरा रहता था।